हैं कुलेश्वर, लगातार हम देख रहे हैं चिंतन मंथन का दौर चल रहा है, आज की बैठक कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और इसके साथ ही कई विधायक ऐसे हैं जिनकी टिकट भी कट सकती है, तो डेंजर जोन में कई विधायकों की टिकट भी? देखिए बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर हम बात करें तो चिंतन मंथन बहुत छत्तीसगढ़ में हो गया है कांग्रेस के प्रत्याशी को लेकर। अब आज जो सीएससी की बैठक अभी चल रही है उसमें तमाम जो नाम है उसको रखे जाएंगे अंतिम मोहर, क्योंकि सीएससी की बैठक में ही लगेगी। लेकिन जो अंदर की बातें जो निकल के सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ में 20 से अधिक विधायक जो है वो डेंजर जोन में है, लगातार ये बातें सामने आ रही है कि कुछ विधायकों का परफॉर्मेंस जो है वो अच्छा नहीं है, सरकार के अनुरूप वो काम नहीं कर पा रहे, कई शिकायतें भी कह दी। क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने 3 स्तर पर सर्वे कराया है, स्थानीय कांग्रेस पार्टी ने कराया, खुद भूपेश बघेल जी भेंट मुलाकात निकले, भेंट मुलाकात में बहुत सारे फीडबैक उनके पास है, साथ ही AICC ने भी सर्वे कराया है। तो सर्वे और जो सूची में जो उनका मिलन किया जाएगा बैठक के अंदर और उसके बाद एक नाम पर सहमति बनेगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें 90 विधानसभा सीटों के लिए एक एक नाम तय कर लिए है, कुछ 5 या 6 सीटों में जो है नाम पेच फंसे हुए हैं, हो सकता है कि आज की बैठक में वो भी नाम क्लियर हो जाए, क्योंकि वक्त काफी कम बचा हुआ है, तारीखों का ऐलान हो गया, चुनाव नजदीक है, ऐसे में सूची जल्दी जारी करनी पड़ेगी तारीख, ताकि जो प्रत्याशी है वो अपनी तैयारी कर सके। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने 90 में से 85 विधानसभा के लिए अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं, तो बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है, ऐसे में कांग्रेस भी देर नहीं करेगी, 15 तारीख को पहली लिस्ट कांग्रेस पार्टी जारी कर सकती है जिसमें कुल 40 लोगों के नाम होंगे। फिलहाल आज जो सीएससी की बैठक चल रही है उसमें तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी, इसमें सीएम भूपेश बघेल और सीएससी के सदस्य के रूप में बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिया, बारी कांग्रेस पार्टी की है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक जारी, देखने वाली बात होगी किसको टिकट दिया जाता है किसको नहीं। फिलहाल आपका